हेलो फ्रेंड्स, दस्तर खाने वर्सिया में आप सभी का स्वागत है। मैं शाहिदा वर्सिया नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की जलेबियाँ। तो आप देखें मैंने किस तरह से बनाया है, तो चलिए चलते हैं बनाने। सबसे पहले हम यहाँ पर एक ग्लास शक्कर ले लेंगे चाशनी के लिए और एक ग्लास पानी। जो देखिए ये दोनों सेम मात्रा में है क्योंकि हमें हल्की सी तार वाली चाशनी चाहिए। तो इसको पकने रख देते हैं। और इसमें डालेंगे कुछ केसर के धागे, इससे रंग भी अच्छा आएगा और खुशबू भी। चलाते हुए इसे पकाएंगे। जब तक चाशनी पक रही है हम यहाँ पर इसमें यहाँ पर ये जार में हम क्या करेंगे, ये हमने 200 ग्राम मेरा ये पनीर घर का निकला हुआ है, इसे हम मैदे के साथ चला लेंगे। देखें कितना सॉफ्ट है। इसको रात भर मैंने कपड़े में लपेट के रख दिया था दूध फटने के बाद, तो ये इस तरह से बन गया है। बहुत ही सॉफ्ट है एकदम। देखें आप कितना अच्छा हुआ है। ये देखिए इस तरह से सब ले लें। और इसी में डालेंगे 3 टेबलस्पून मैदा, 1, 2, 3। और इसी में हम हल्का सा पानी डाल देंगे। बस समझ लीजिए कि मैंने ये स्पून से ही डाल देना है क्योंकि इसे हमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है और ये मिक्सी में आराम से चल जाए, बस ऐसा ही पानी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसे हम मिक्सी में चला लेंगे। तो ये मिक्सी में हमने इसका बैटर पीस लिया है पनीर का, तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी हुई है। लेकिन अगर आप पीसते हैं और आपको ये कहीं पर भी ये पतला लगता है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून मैदा और ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो अच्छा होगा। लेकिन आप इसको समझें कि बहुत ज़्यादा भी पतला ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पे जो पीसा है ये तो मुझे ठीक लग रहा है, मेरे हिसाब से ये सही है। आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर ये पतला होता है तो आप ऐड कर सकते हैं मैदा। चाशनी में देखिए हमारे रंग आ गया है, लेकिन फिर भी हम इससे थोड़ा सा जलेबी का रंग डाल देते हैं। ताकि ये बस हल्का सा, ताकि ये जलेबी का रंग जो है मार्केट जैसा दिखे। अब हमारी ये चाशनी जो है अभी खोली नहीं है, अभी अभी हुई नहीं है, थोड़ा सा और इसको पक जाने देते हैं। ठीक है, जब तक कि हम इधर यहाँ पर ये अपना इसमें भर लेते हैं। इस तरह से हम इसमें और भी डाल देंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जगह है। सभी पेस्ट इसके अंदर हमारा एक साथ आ गया।
और हमने इसमें आगे नोज़ल भी लगा लिया है। चाशनी देख लेते हैं, हमारी हो गई। देखिए हल्की हल्की, देखिए चटचट कर रही है, यानी ये हल्का सा तार बन रहा है, बस ऐसे ही चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा तार की ज़रूरत नहीं है। और ये चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, तो हम इसको उतार लेते हैं और ऑयल रख देते हैं। हमारे यहाँ पे नोजल भी तैयार है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से निकल गई है, आगे से इसका मुंह काट लेंगे। मैंने ये पहली बार जलेबी बनाई है अपनी लाइफ में, और मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतरीन बन रही है और मुझे बनाते हुए बहुत खुशी हो रही है। जैसे कि केक मैंने बनाया था, और पहली बार जब बन गया मुझसे सही से, तो मैं बहुत खुश हो गई थी, बिल्कुल इसी तरह से जलेबी हुई है। अच्छी कुरकुरी बन रही है। फिर से और बना लेते हैं दूसरे। चाशनी हमारी हल्की ठंडी हो गई है, एकदम ठंडी भी नहीं चाहिए, और आप देख सकते हैं ये ऐसा हल्का सा तार आ रहा है, तो हमें ऐसे ही चाहिए। और ये अब एकदम डालने लायक हो गई हैं, तो यहाँ पे जलेबियाँ हम इस तरह से दो मिनट भी नहीं, बस हल्का सा ये डूब जाए और फिर इसे निकाल दिया जाए। इसी तरह हम सबको कर लेंगे।
इस तरह से सभी को हमने रबड़ी हमने बना ली है। ये इसे हम जलेबी के साथ परोसेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। इस रबड़ी में हमने कुछ ड्राई फ्रूट भी डाल दिए हैं ताकि ये इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए और जलेबी के साथ ये बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी देखिए पनीर जलेबी रेडी है। तो हमने जैसे भी बनाया आपने देखा पूरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।